अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। गेस्ट वीक चल रहा है तो आज हमारी गेस्ट ऑन द सेकंड डे इन फूड डायरीज इज़ कुरतुलैन हाशमी। उनको करते हैं वेलकम हमारे शो पे, अपने चैनल पे, और आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं आप? जी जी। ये बताइए कि कब से शुरू किया है आपने ये बिज़नेस, क्या क्या बनाती हैं? टेल आवर ऑडियंस अबाउट इट। एक्चुअली इट्स बिन टू ईयर्स, दो साल से स्टार्ट किया था। उससे पहले आई वॉज इन अ स्कूल जॉब, तो आई लेफ्ट दैट जॉब, तो देन आई स्टार्टेड दिस बिकॉज बेकिंग मेरा पैशन था हमेशा से, तो आई थॉट कि इसमें कुछ करना चाहिए। तो क्या क्या बना लेती हैं? बेसिकली मेरा जो वो है दैट इज़ वैरायटी ऑफ ब्रेड्स एंड बंस, उसमें डिफरेंट वेरिएशंस करके अपनी ही रेसिपीज़ को कुछ डिफरेंट करके, काफ़ी वैरायटीज़ हैं मेरे मेन्यू में, एंड द टी केक्स स्पेशली। अच्छा, यस। तो आपके जो ये आपने जो बिज़नेस खोला है अपना घर से, उसका नाम क्या रखा है? दैट इज़ बेकिंग हैबिट बाई क्यू ए। क्यू ए अपना नाम? जी जी। अच्छा, ओके। और आज आप क्या बनाएंगी हमारे शो पे? आज मैं लेमन ग्लेज्ड केक बना रही हूँ और कीश बनाऊंगी। कीश बनाएंगी? लेकिन हमने देखा कि आपने लिखा है कि कीश विथ अ ट्विस्ट, तो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है एक्चुअली, कीश का जो वैसे ओरिजिनल टेस्ट है दैट इज़ अ बिट ब्लैंड टेस्ट, प्लेन होता है, तीखा होता है। हाँ, तो वो हमारी जो कस्टमर्स हैं उनमें बहुत सारे लोग जो चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो दे टोल्ड मी कि थोड़ा सा इसके अंदर होना चाहिए टैंग, फ्यूजन खाना बना लो। तो देन आई ट्राइड, मैंने कहा चलो अब ये करते हैं। ठीक है, गुड गुड, नाइस। अच्छा, ये बताइए कि आज ये क्या बना के लाई हैं? दिस इज़ कीश बेस एक्चुअली, जी। तो ये मैं घर से प्रिपेयर करके ले आई इसको, ताकि फिर जस्ट डू द फिलिंग एंड ऑल, देन वी विल बेक इट। अच्छा, आपने ये किस तरह बनाया हमारे नाज़रीन को बताइए। दैट इज, दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ, वी जस्ट हैव टू मेक अ डो। फ्लावर है इसमें 250 ग्राम फ्लावर है एंड 150 ग्राम बटर है, एंड बटर शुड बी चिल्ड, हाँ ठंडा, एंड 5 ग्राम सॉल्ट। अंडा वगैरह कुछ नहीं? नहीं नहीं, देयर इज नथिंग। यस हां, तो बस आपने इसको कितनी देर बेक किया? 15 टू 20 मिनट्स एट 175 डिग्रीज पे इसको मैंने बेक कर लिया था। तो आप बहुत दफ़ा कीश की पेस्ट्री, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री हम बनाना सिखा भी चुके हैं शो पे, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रेप करके आते हैं, सो दैट टाइम हमारा थोड़ा सा बच भी जाए। और आज हमारे शो पे है इनिक्स की तरफ से केटल और वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो अगर आप जीतना चाहते हैं तो क्या सवाल पूछूँ मैं, सवाल पूछूं आपसे, पूछते हैं कि आज मैं क्या सवाल पूछूं। सवाल हम ये पूछते हैं कि क्या पूछूं, कोई अज्जा देख लेते हैं, कोई अज्जा से कुछ पूछ लेती हूँ। लेमन ग्लेज्ड केक हम बना रहे हैं और कीश हम बना रहे हैं, कीश में कीमा है, चलो तो फिर कीमे से कोई रेसिपीज़ के नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, कीमे से बनने वाले कोई रेसिपीज़ के नाम आप हमें 8881 पे SMS करके बताइए। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। आइए कुरतुलैन, लेट्स स्टार्ट आर शो, लेट्स मेक आर केक फर्स्ट। ठीक है, ठीक। आप अज्जा पहले बता दीजिए हमारे नाज़रीन को कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करेंगी। अच्छा, इसमें जाएगा बटर, दैट इज़ 1/2 कप। ठीक है, ठीक है। फ्लावर है, दिस इज़ 1.5 कप। फ्लावर में जो है मैंने पहले से बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो है वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, एंड सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ठीक है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और मैदा ये यहाँ रखा है। हाँ, अब इनको हम यहीं पे एक साथ शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर, ठीक है ना। कैस्टर शुगर है 1 कप, लेमन जूस होगा इसके अंदर, एंड वनीला एसेंस एंड लेमन एसेंस है, 3 eggs हैं, एंड बटर मिल्क है। और इसकी जो लेमन जूस निकाल के रख लिया है? जी जी, मैंने निकाल के। और वो दोनों चीज़ें क्या हैं बॉटल्स में? दिस इज लेमन एसेंस और दिस इज वनीला एसेंस। अच्छा, दोनों एसेंस, दोनों एसेंस चाहिए जी। बटर मिल्क, इसकी स्पेशलिटी जो है वो बटर मिल्क है, बिकॉज हर केक में बटर मिल्क नहीं जाता है, तो इसमें आपने क्या डाला है? सिरका के लेमन, सिरका। दिस इज द रेशियो ऑफ 1 कप मिल्क एंड 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर। ठीक है, ठीक है ना, बट दिस विल गो 1/3 कप। नहीं, आपने अभी कितना दूध लिया है? अभी तो टोटल बटर मिल्क की क्वांटिटी पूछ रही हैं, दिस इज़ 1/3 कप। अच्छा, ठीक है ना। एंड फॉर ग्लेज, दिस इज आइसिंग शुगर एंड 2 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस। यहाँ पीछे कर लूँ आइसिंग? हाँ, शुगर, ठीक है। अच्छा, ये आप दानेदार वाली चीनी? दिस इज कैस्टर शुगर। आपने कैस्टर शुगर बनाई नहीं है? मैं क्या करती हूँ, दानेदार चीनी को पीस लेती हूँ। अच्छा। क्योंकि बाज़ वक्त केक का बीट जो हम बीट करते हैं बैटर, उसमें वो दाना रेशा सा मुंह में आता है, उसका ये है कि ज्यादा, थोड़ा ज्यादा बीट करना पड़ता है। चलिए, सो शुड बी स्टार्ट। अवन हमने प्री हीट कर दिया है नाज़रीन, और जो हमने हमने दूसरा अवन भी ऑन कर दिया है, ताकि इसमें अगर केक हो जाएगा तो उस वाले में हम कर देंगे अपना कीश। ठीक है, चलिए
सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ बहुत अच्छी तरह डेकोरेशन होने वाला है, इसलिए कि यहाँ आई कैन सी लेमन ग्लेज स्लाइसेस. आपने किस तरह ये किए हैं? इनको जो है वो मैंने स्लाइसेस करके पहले इनको बॉईल कर लिया था पानी में, देन आई टुक इट देम एंड पुट देम इन द कोल्ड वाटर. ठीक है ना, कोल्ड ठंडे पानी में डाल के थोड़ी देर छोड़ा, फिर हाफ कप शुगर एंड हाफ कप वाटर पैन में लेके एंड फिर मैंने ये इसमें डाल दिया. कैरामलाइज हो गए, पकने दिया थोड़ी देर और फिर थोड़ा सा मैंने इनको बेक कर लिया था. अच्छा, ताकि सूख जाए, कड़क हो जाए, वरना वो पानी वाले तो नरम से होंगे. ठीक है, चलिए जी. कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए. मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा अगर आपको जीतना है. एनएक्स की तरफ से रिलैक्स केटल और यहाँ वाउच 365 की कूपन बुक्स हैं. कराची, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, एबटाबाद एंड पेशावर के हमारे फैंस एंड व्यूअर्स अगर जीतना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू, अगर हमारे शो के थ्रू जीतना चाहते हैं तो आप 8881 पे हमें बताएंगे कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम. मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. ओके, सो आपने क्या चीज़ें अंदर डाल दी जो अब हम छुपा छुपा के डाल दी? नहीं नहीं, मैंने सीक्रेट कुछ तो नहीं डाल दिया. आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था. नहीं, मैं ऐसे तंग कर रही हूं आपको. कोई सीक्रेट चीज़ तो नहीं? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ बटर एंड शुगर डाले और अब हम इसको बीट करेंगे. तंग कर रही हूं मैं आपको. चले चले डाले. अच्छा, ये ऑपरेट मुझे बता दें आप इसको. ये केक आप बेक करेंगी, टिन ले आऊं यहाँ? जी. इसमें इसको ग्रीस कर दूं? हाँ. और कुछ डालना है मैडम इसमें? थोड़ा सा, हाँ, ये डस्ट के लिए, क्योंकि ये बन टिन है ना, इसमें हम पेपर नहीं लगा सकते हैं. फिर क्या होगा कि ये तो मैं दूं चम्मच? नहीं, ये है स्पैचुला. नहीं, इसमें नहीं, ये मैं. अच्छा, आपको जितना भी डालना हो आप डाल दीजिए, ताकि ज़्यादा नहीं, बस बस हाँ हिला दूँ इसको. जी जी, बंट टिन हो जिस तरह का, ऐसे हाँ, कोई शेप का टिन हो, पेपर नहीं लगता, जिसमें पेपर नहीं लगेगा ना, तो इसमें आपको मैदा और मक्खन या मैदा और तेल अच्छी तरह लगाना ज़रूरी है. फिर एक्सेस मैदा जो हो वो ऐसे करके निकाल दीजिएगा. चलिए जी. अच्छा, अब इसमें एग्स जाएंगे. अच्छा, एक अच्छा, अंडे जो है इसमें एक करके हम करेंगे, लेकिन हम ब्रेक के बाद करेंगे, तो आप रख दीजिए. ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है नाजरीन, आप लीजिए ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए. और अगर आपने जीतना है एनएक्स की तरफ से केटल और ये वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से 8881 पे आप हमें बताएंगे कीमे से बनने वाले रेसिपीज के नाम. मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा. हम लेते हैं ब्रेक, कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक. लेमन ग्लेज केक बना रही हैं कुरतुलैन हाशमी. इतना लंबा नाम मैं अभी एनी बुलाऊंगी आपको. ठीक है, ठीक है. चले, अब जल्दी से अंडे डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें बेकिंग भी करनी है. हाँ, यहाँ से कर लो, प्रेस कर लो, जस्ट प्रेस दिस. और फिर क्या जाएगा? अंडे. अंडे, हाँ, एक एक करके डाल. अंडे हैं तीन, अंडे एक एक बाद एक. चीनी चली गई और हमने मक्खन डाल दिया. ग्रीस क्या हुआ टिन है जिसमें मैदा लगा दिया है, सो ग्रीस एंड फ्लावर टिन इज रेडी. ठीक है, चलो डाल दीजिए. अब आप क्या डालेंगी? मैदा? नहीं, इसमें पहले एसेंस चाहिए. ओके, एसेंस लेमन का भी है और वेनिला का भी है. जी,
लेमन एसेंस जाएगा इसमें हाफ टी स्पून. कुछ लेमन एसेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ना जी, ज़्यादा नहीं डालते हैं. खोलूँ मैं? अब हर दफ़ा वहाँ से टीवी डाल देती है मैदे के अंदर. ओहो अच्छा लेम ये जो है बटर मिल्क इसको मेजर कर दूँ? जी 1/3 का इतना ही है. ठीक है 1/3 का डिफरेंस होगा उसमें. ठीक है अच्छा साथ में लेमन जूस भी हम अभी डाल देंगे. अच्छा जी लेमन जूस होगा 2 टेबल स्पून. ठीक है सही. और बस अभी ये डाल के इसको मिक्स करेंगे. सही नहीं इसको आप छोड़ दें ये. अब ये है फ्लावर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और सॉल्ट. नमक बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा सॉल्ट. एक कॉलर है उनसे बात करते हैं. आप डाल दीजिए. जी हेलो. अस्सलाम वालेकुम सर नाकापी क्या हाल हैं? जी वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी. आप फरमाइए. तबीयत सेहत कैसी है आपकी? जी ठीक ठाक थैंक यू जी. आपका इस वीक का शो बहुत ही अच्छा लग रहा है. थैंक यू बहुत शुक्रिया. मैं बहुत ही खुश हूँ की आज हमारी पहली दफा मुश्किल से कॉल मिली है. बहुत शुक्रिया खुशामदीद. मुश्किल से लगती है क्योंकि आप जैसे चाहने वाले ट्राई करते रहते हैं हमारी लाइंस बिजी रहती हैं फिर ना. जी जी आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. आपको आज आप भी कुछ सवाल है जी. कीमे से बनने वाली रेसिपीज के नाम बताइए. अच्छा कीमे से बनने वाली रेसिपी. कीमा बिरयानी. अच्छा फिर कीमा कोफ्ता कीमा पालक कीमा कबाब कीमा नूडल्स. कीमा कोफ्ता क्या होता है? कीमा कोफ्ता. अच्छा कीमा कोफ्ता कोफ्ते कोफ्ते. हाँ ठीक है ओके नोट कर दिया है जवाब. बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच. चलिए आप डाल दीजिए जो चीजें डालनी है. मैदा था और फिर और फिर मैदा के बाद बटर मिल्क लास्ट बाकी लेमन जूस पीछे कर दूँ. हाँ ये भी आइसिंग के लिए चाहिए. जल्दी से डाल दीजिए आप तो बेक इट ऑल इसका ना. चलो हो गया. चलो थोड़ा फिलहाल लेट्स फिनिश दिस केक. डाल देते हैं इसको अवन में. इसको मैं एक मिनट स्पैचुला से मिक्स कर दूँ. ठीक है निकाल दूँ इसके? जी ये निकाल दूँ. निकाल जी जी. हमारे नंबर्स चल रहे हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं एसएमएस कर सकते हैं. अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से कैटल और वाउच 365 की कूपन बुक्स तो जल्दी से हमें 8881 पे बताइए कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम. मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम शहर का नाम एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. बंट टिन इन्होंने ग्रीस भी किया था तेल से या मक्खन से कर लें. मैदा लगा दीजिए और उसके बाद आप इसमें पूरा ये बैटर निकाल दीजिए. पकड़ू मैं बोल? बोल हैवी है. बोल हैवी है ना. आप छोड़ दीजिए बोल छोड़ दीजिए. चलिए वहां से छुरी ले लीजिए.
वहाँ से छुरी ले लीजिए, इससे निकाल दीजिए सारा कुछ, इसमें से भी निकाल दीजिए ताकि वी हैव ऑल आर बैटर इन, बैटर हम ज़ाया नहीं करें बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद ग्लेज जब बनाएंगे तो आइसिंग शुगर और लेमन जूस है उसके साथ हम उसका ग्लेज बना देंगे। तो गरम गरम ही आप डालोगे कि ठंडा करेंगे? केक थोड़ा सा गरम भी हो तो कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, लेकिन ग्लेज को पकना नहीं है, इट्स जस्ट मिक्सिंग जी। पुट इट इन द ओवन, छोड़ दें, पुट इट इन द ओवन, यस बिकॉज़ द बिट। चलिए अब ज़रा रिकैप कर दीजिए, आपने केक कैसे बनाया था? हाँ बेशक रेसिपी पढ़ के बता दीजिए हमारे हाँ। नाज़रीन को एक दफ़ा फिर प्लीज़। अच्छा ठीक है, बस इसमें हाफ कप बटर में 1 कप शुगर लेके मिक्स किया एंड देन वी एडेड 3 eggs 1 by 1। उसके बाद उसके अंदर लेमन एसेंस, वनीला एसेंस और लेमन जूस डाला एंड देन फ्लावर मिक्स, फ्लावर के अंदर बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट, ठीक है ये सब मिक्सचर इसके अंदर मिक्स करके लास्ट में बटर मिल्क डाल के और उसको बेक करने लगे। और अब हम आइसिंग शुगर और लेमन जूस से ग्लेज बनाएंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कीश क्या फिलिंग हमें बनाना है। हाँ। तो कुछ करना है ब्रेक में, आपने कीमा कुछ पकाने के लिए रखे, क्या करेंगी आप पहले? जी कीमा ही बनाने के लिए रखना है, फ्राई करना है, प्याज बस उसको कीमे के बाद डालेंगे। अच्छा पहले कीमा फ्राई करेंगे, कीमा फ्राई करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो वो सब कुछ हम करेंगे ब्रेक के बाद। अगर आपने जीतना है एनएक्स की तरफ से केटल और वाउच 365 की कूपन बुक्स तो जल्दी से 8881 पे आप हमें SMS करिए 8881 इस नंबर पे, ठीक है? और बताइए कीमे से बनने वाले रेसिपीज के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। चलिए अब हम फिलिंग करते हैं, तो कुरुतुलैन ने तेल डाल दिया जी, घी स्टॉप, ये क्या डाला? गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, अब बस अब इसमें कीमा जाएगा, ठीक है। इसको आप चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं जी, चिकन बीफ, ये बीफ लिया दिस है, ठीक है। और क्या कर सकती हैं वेरिएशन इसमें? इसमें हम बोनलेस चिकन क्यूब्स भी ले सकते हैं जी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या डालेंगे इसको भून के? बस इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें सारे स्पाइसेस जाएंगे। ओके जी, स्पाइसेस में क्या क्या है? स्पाइसेस में है, ये है थोड़ा सा टिक्का मसाला है, क्रश रेड चिली है, ब्लैक पेपर है, सोया सॉस है और थोड़ा सा सॉल्ट। और सब्जियां बता दीजिए हमारे नाज़रीन जी, अनियन जाएगी इसमें और कैप्सिकम और ग्रीन चिली, ठीक। फिर क्रीम, दूध, अंडे और चीज़, वो मिक्सचर बाद में बनेगा, वो इसमें नहीं जाएगा, ऊपर से डाल देंगे। बेस बेक्ड है, बेस में हम ये स्पाइसेस इसके अंदर डाल रहे हैं जी जी जी। टिक्का मसाला, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, इसलिए इन्होंने कहा था कीश विद अ ट्विस्ट, बिकॉज ऑब्वियस कीश में टिक्का मसाला तो नहीं जाता है ना। फिर कुटी हुई लाल मिर्चें जी, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर है, काली मिर्चें, सिल्की कर दें। अच्छा, और बस सॉल्ट, नमक जाएगा, नमक बहुत कम जाएगा क्योंकि अभी इसका मिक्सचर बनेगा ना, उसमें भी और टिक्का मसाले में भी जी नमक होता है, चीज़ भी है। हाँ। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं जी और SMS कर रहे हैं, आई होप हमारे व्यूअर्स। हेलो, अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, इसमें अनियन डाल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं कासिम रज़ा बोल रहा हूँ, किरोल पक्का से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज कॉल लग गई, मैं गेस्ट वीक का इंतज़ार कर रहा था कि मैं देखूँ कैसे कैसे गेस्ट थे और कैसे कैसे रेसिपीज होंगे, जो जो अपनी रेसिपी चेंज करके हमारे सामने पेश करेंगे। थैंक यू टू ऑल जो आपने गेस्ट वीक जो है लॉन्च किया, इंदा मसाला की जी, थैंक यू। और आज के सवाल का जवाब दूंगा मैं जी, कीमा पालक, कीमा बिरयानी, कीमा स्ट्यू, कीमा नूडल्स, कीमा बेक्ड नूडल्स, ये क्या है? कीमा बेक नूडल्स जी। और अच्छा, मैंने आपसे फरमाइश भी करनी है, क्या मुझे मुतंजन बनाना सिखा दें? मुतंजन मैं बना चुकी हूँ, रेसिपीज देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, प्याज के बाद आपने क्या डाला? सोया सॉस, सोया सॉस, अच्छा सोया सॉस भी डाला,
अच्छा अब क्या जाएगा? बस अब इसमें कुछ नहीं जाएगा, फिर हम इसके ऊपर फिर चले शुरू करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा आँच हम तेज़ कर दें। मैं करूँ जी? चले आप बता दीजिए पानी खुश्क हो जाए। ठीक है, मैं कर देती हूँ पानी खुश्क इसका। अब आप बता दीजिए क्या क्या डालेंगे। आई नीड अ बाउल फॉर दिस। इसका मिक्सचर बनाएं वहाँ पीछे से लाएं। आज मैं कुक थोड़ी हूँ, आज तो मैं असिस्टेंट हूँ। हैं, आपने तो मुझे कुकिंग पे लगा दिया। चले पानी खुश्क कर लें ज़रा। तब तक हमारे व्यूअर्स जल्दी जल्दी SMS करें 8881 पे और बताइए कीमे से बनने वाले रेसिपीज के नाम। एक कॉलर भी हैं जी, आप करिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, फरमाइए। आपका ये गेस्ट जो बता रहे हैं कल भी बहुत अच्छी बताई, आसान, और आज भी बहुत अच्छा बताया। थैंक यू, ट्राई करिएगा। बनाऊंगी गेस्ट की रेसिपी। मैं सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ जी। कीमा के समोसे, कीमा का सलाद और कीमा पाए। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। नोट कर दिया है, शुक्र नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुरुतुलैन ने क्या किया है? अच्छा, मैंने बोल में मिल्क लिया है, 100 ग्राम मिल्क है, दूध है जी, और ये 100 ग्राम क्रीम है। क्रीम है और इसके अंदर दो पूरे अंडे जाएंगे, होल एग्स जाएंगे, और एक एग योक जाएगा। ठीक है, एक जर्दी और दो पूरे अंडे, फुल एग। फिर और क्या डालेंगे? विस्क कर दें ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब क्या डालेंगे? इसमें जाएगा वाइट पेपर। ठीक है, सफेद मिर्च और सॉल्ट थोड़ा सा। कीमा देखें हो गया है जी, बंद कर दो। हाँ हाँ, इसको विस्क कर लेंगे सही से। ठीक है, और अब इस पर कीमा निकाल दूँ क्या? जी, इसमें कीमा निकलेगा, इसमें कीमा निकलेगा और उसके ऊपर सारी वेजिटेबल्स आ जाएंगी। मैं डाल दूँ? हाँ हाँ, डाल दें। मैं इसलिए मदद करना चाह रही हूँ कि जल्दी से हो जाए, वरना टाइम लग जाएगा, बिकॉज दो रेसिपीज हमारी फुल बेकिंग वाली हैं। चलिए अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगी? अब इसमें सारी वेजिटेबल्स। क्या हैं वेजिटेबल्स? कैप्सिकम, ऑलिव्स तो ऊपर से करेंगे, ग्रीन चिलीज, ऑलिव्स, मशरूम्स। चलिए, ये कैप्सिकम है, कैप्सिकम, मशरूम्स और ग्रीन चिलीज। हाय, कितनी स्पाइसी स्पाइसी किश बनेगी। ज़्यादा नहीं जाएंगी क्योंकि थोड़ी सी टेस्ट के लिए। और बस, और ऊपर से चीज़ पर ये मिक्सचर डालेंगे और फिर ऊपर से चीज़ डाल देंगे। ओके, तो ये मिक्सचर चला गया, सब्जियां चली गई, कीमा है, इसके ऊपर क्या जाएगा? बस इसके ऊपर अब चीज एंड ऑलिव्स। ठीक है, चलिए कर दीजिए। हाँ, तो फिर हम वो वाले वो मिक्स्ड हर्ब्स ऊपर से थोड़ी सी अवन में। ये ग्रीन ग्रीन मैंने पूछा था इनको क्या है, ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं जी। ठीक है, चीज कौन सा? चेडर है, चेडर चीज। ओके, ठीक है जी, तो ये हम करके फौरन रख देंगे अवन में, दूसरे वाले अवन में, ताकि ऊपर से बेक भी हो जाए, अंडे भी बेक हो जाए, उसके साथ साथ चीज भी गोल्डन मेल्ट हो जाए, बेक हो जाए। ठीक है, मेल्ट हो जाए और फिर वहाँ केक जो है वो राइज हो रहा है। अगर आप दिखाना चाहते हैं, सो यू कैन सी इट्स रिजन वेरी वेल। ये देखें, इट्स रिजन वेरी वेल। अभी हम इसको खोलेंगे नहीं बिल्कुल भी, आपको कैमरा दिखाएगा। और जब ये केक निकल आएगा अवन में से, तो फिर हम इसके ऊपर ग्लेज लगा देंगे आइसिंग शुगर और लेमन जूस का। एनेक्स की तरफ से डिडक्स केटल है और वाउच 365 की कूपन बुक्स हैं। अगर आपको जीतना है हमारे शो के थ्रू, तो जल्दी से 8881 पे आप हमें बताएंगे, 8881 इस पे बताएंगे कि कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक में हम इसको रख देते हैं अवन में, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक. और हम मसाला टीवी पे फूड डायरीज देख रहे हैं और यहाँ कुरतुल ऐन हैज ब्रॉट वेरी स्वीटली कुछ बना के मेरे लिए. तो बताइए क्या क्या ब्रेड्स हैं जी. बेसिकली दिस इज़ द वे आई प्रेजेंट. अगर किसी को स्पेशल पैकेजिंग भिजवानी होती है तो उसके लिए ये बास्केट्स मैं यूज़ करती हूँ. कौन सा ब्रेड है ये बताइए. ये है, दिस इज़ फोकाशिया ब्रेड जी. ओके, सो इट्स गॉट ऑलिव्स वगैरह जी. ओके, वेरी नाइस. बेकिंग हैबिट बाय QA. और ये क्या है. दिस इज़ मल्टीग्रेन ब्रेड एंड दीज आर गार्लिक चीज बंस. ओह अच्छा, ये वो आपके फेमस गार्लिक चीज बंस है. इसके ऊपर आपने क्या क्या डाला है. इसके ऊपर जो है वो सनफ्लावर सीड्स हैं, तिल है एंड ओट्स है. ओट्स है जी, ओट्स है. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. और अच्छा प्रेजेंटेशन भी है. अगर किसी को ब्रेड बास्केट किसी को भिजवानी हो तो इट्स अ गुड आइडिया. बेसिकली मेरा वो ये है कि जैसे द पीपल लिविंग अब्रॉड दे यूजुअली ऑर्डर मी फ्रॉम देयर अपने घर वालों के लिए डिफरेंट किसी ओकेजन पे स्पेशल. तो वो बास्केट्स एंड बॉक्सेस डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग्स में मैं फिर करके जो है वो भेजती हूं. अच्छा, कीश हमारा बोस वाले अवन में है और यहाँ हमारा केक बन रहा है और हम किसी कॉलर का इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने अभी कॉल की है. जी हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैं समीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से. जी फरमाइए. आपने सवाल किया था कीमे से क्या क्या चीज़ बनती है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ. जी कीमा गोला कबाब, सीख कबाब, दम का कीमा और क्या कहते हैं कीमा भरे करेले. ओके ठीक है, और नोट कर ये दिया. जो आपके पास पूरा तब एन बैठी है. मैं इनकी कुपी बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से. नहीं, आपके पास कुपी है. अच्छा अच्छा जी, ओके अच्छा जी. जी जी करिए बात. मुझे सरप्राइज दे दिया. सरप्राइज मिल गया आपको. ये मैं सरप्राइज दे रही हूँ. मैंने शुक्र आज मेरी कॉल मिल गई आपसे ना, इनके आते हुए ना. तो वैसे भी शो देखती हैं कि बस कुरतुल ऐन आई तो इसलिए आपने शो देखा. जी नहीं नहीं, मैं हमेशा आपका शो देखती हूँ. आपका शो बहुत अच्छा होता है, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं. ओके, मैं आपका शो हमेशा देखती हूँ. अपनी फूफी से बात करें ना, शर्मा क्यों रही है. नहीं मैं शर्मा एक्चुअली मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हर कॉल क्योंकि फूफू ने जिन्होंने मुझे कल कहा था कि पता नहीं मैं देखूंगी देखूँ ना देखूँ. तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो वाकई देख रही होगी. फोन भी मिला देंगी. फोन मिल भी गया वरना इत्तेफाक से मिलता है. और एनी बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी रेसिपी थी आपकी. शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और ये बहुत अच्छे चीजें बनाती है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है. क्या कहते हैं हर चीज की बहुत अच्छी होती है. और क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं बहुत अच्छा काम करती है. ओके थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. नाउ वी आर जस्ट वेटिंग कि दोनों चीजें हमारी बेक हो जाएं बिकॉज यू नो बोथ द रेसिपीज बेकिंग की थी. तो कीश भी हो रहा है हमारा विद अ ट्विस्ट. काफी मिर्च मसाला वाला कीश था, कीमा पकाया था और डाला था. और जो हमारा ग्लेज्ड केक है, लेमन ग्लेज्ड केक. अब आप लोग तो वेट करिएगा कि ठंडा हो, फिर इसको ओवरटर्न करिएगा, फिर ग्लेज डालिएगा. एक और कॉलर है. हेलो 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 जी. हेलो हेलो जी, फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. और आप मतलब माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है. आप खुश हैं, ठीक ठाक हैं सब. अच्छा मैं आंसर मैं जवाब दूंगी जी. कीमा करेले, कीमा आलू, वो कटे कीमे का कबाब, गोला कबाब और नान, कीमा नान. ओके ठीक है. नान कीमे वाले पराठे. ओके ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच, थैंक यू जी. चलिए जी एक दफ़ा रिकैप कर दें. हाँ आप बता दीजिए आपने किस तरह बनाया था, पेस्ट्री का भी बता दीजिएगा. अच्छा अच्छा, कीश में जो है वो फ्लावर लिया था 250 grams, अनसॉल्टेड बटर था 150 grams और चिल्ड था एंड 1 teaspoon सॉल्ट. उसको डो बनाना है और पानी जो है वो बहुत थोड़ा सा डालना है, जितना की ज़रूरत हो, इतना कि डो पूरा बन जाए. बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना. एंड उसको फिर हमें 10 minutes के लिए रेस्ट के लिए रख के और फिर उसको कीश डिश में बेक कर लेना है 175 degrees पे 20 minutes. सही. और बाकी हमारी फिलिंग थी बीफ कीमे की. कीमे का ये है कि बीफ की भी ले लें, चिकन ले लें या चिकन क्यूब्स भी ले सकते हैं. और उसको बस जिंजर गार्लिक के साथ हमने फ्राई किया और उसके अंदर फिर सारे
सारे स्पाइसेस डाले, तिक्का मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा नमक डाल के सोया सॉस डाल के उसको फ्राई किया, एंड देन आखिर में जो है वो अनियंस और सारी जो भी शिमला मिर्च, मशरूम्स, वो सारे फिलिंग में हमने कीश डिश में करके, और उसका फिर जो कीश का बेसिकली जो उसकी वो होती है स्पेशलिटी, दैट इज दैट मिक्सचर, उसमें 100 ग्राम्स मिल्क, 100 ग्राम्स क्रीम और दो एग्स और एक एग योक एंड वाइट पेपर पाउडर मिक्स करके, और वो हमने उस पे चेडर चीज़ डाल के बेक कर लिया। ठीक है, तो वो भी बेक हो रहा है, यहाँ हमारा केक भी बेक हो रहा है, यू कैन सी इट्स नाइस एंड ब्राउन रिजन ऑल्सो। तो अब हम ऐसे करते हैं, एक और ब्रेक ले लेते हैं, बिकॉज ब्रेक में फिर हमें ये सारी चीज़ें निकालनी भी है। ग्लेज को आप सारा ये मिक्स करेंगे, सारा लेमन जूस? नहीं नहीं, सारा नहीं, टू टेबल स्पून। अच्छा ठीक है, तो लेमन जूस और आइसिंग शुगर मिक्स करेंगे आपके सामने और वो केक के ऊपर डालेंगे। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक अ ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से केटल और वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से 8881 पे आप एसएमएस करिए अपने फ़ोन से और मुझे बताइए कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, 8881 इस नंबर पे SMS करना है। ठीक है, मुझे नहीं लिखिएगा, व्हाट्सएप नहीं करिएगा, फूड डायरीज के पेज पे नहीं लिखिएगा, जस्ट SMS करिएगा। चलिए स्टे ट्यून्ड। लेमन ग्लेज्ड केक। अच्छा, अंडे 3 अदद, मैदा 1.5 कप, इसे चीनी 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, लेमन एसेंस 1/2 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चम्मच, मक्खन 1/2 कप, सी सॉल्ट 1/4 चाय का चम्मच, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, बटर मिल्क 1/2 कप, आइसिंग के लिए आइसिंग शुगर 1 कप, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, दूध 1 से 2 खाने के चम्मच, खाने का पीला रंग 2 से 3 कतरे। तरकीब, पहले अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें, फिर एक बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक डाल के मिक्स करें। उसके बाद दूसरे बोल में मक्खन और पिसी चीनी एक साथ फेंट लें। अब इसमें एक एक करके अंडे, वनीला एसेंस और लेमन एसेंस शामिल करके फेंटें, फिर लीमू का रस डाल के मिक्स करें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैदे का मिक्सचर शामिल करके बैटर अच्छी तरह फोल्ड कर लें, फिर इसमें बटर मिल्क डाल के मिक्स करें और ग्रीस किए हुए केक मोल्ड में डालें। अब इसे गर्म अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 से 40 मिनट तक बेक करें। उसके बाद केक को अवन से निकाल के ठंडा कर लें। आइसिंग के लिए एक बोल में आइसिंग शुगर छानकर लीमू का रस, दूध और खाने का पीला रंग डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में इस आइसिंग को ठंडे केक पर डाल के सर्व करें। केश विद ऑटोइस्ट। बेस के अज्जा, मैदा 2 कप या 250 ग्राम, फीका मक्खन 150 ग्राम, नमक 1 चाय का चम्मच, पानी 2 खाने के चम्मचे। फिलिंग के लिए बीफ का कीमा 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद छोटी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, तिक्का मसाला 2 चाय के चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद बड़ी, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 अदद छोटी, काले जैतून 1/4 कप, टेट्रा पैक क्रीम 100 ग्राम, दूध 100 ग्राम, अंडे 2 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, चेडर चीज़ 1 कप, मिक्स हर्ब्स टॉपिंग के लिए। तरकीब, बेस के लिए एक बोल में फीका मक्खन, मैदा और नमक डाल के मिक्स कर लें, फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके डो गूंदें। उसके बाद इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब कीश की डिश को ग्रीस करके डो बेलें और डिश पर फैला दें, फिर इसे गर्म अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक कर लें। उसके बाद बेस को अवन से निकाल कर एक तरफ रख दें। फिलिंग के लिए तेल गर्म करके बीफ का कीमा डालें और फ्राई कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और तिक्का मसाला शामिल करके पकाएं। उसके बाद चॉप्ड प्याज डालकर पका लें। फिर एक बोल में क्रीम, दूध, अंडे, अंडे की जर्दी, सफ़ेद मिर्च और नमक शामिल करके मिक्स करें। अब कीश की बेस पर बीफ का मिक्सचर डालें। उसके बाद हरी मिर्चें, शिमला मिर्च और काले जैतून ऊपर से शामिल कर दें। फिर इसमें क्रीम का मिक्सचर डालकर चेडर चीज़, मिक्स हर्ब्स और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च शामिल करें। आखिर में इसे गर्म अवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट तक बेक कर लें और निकाल के सर्व करें। जी वेलकम बैक। अच्छा, अब केक हमने निकाला है, लेकिन बहुत गर्म था ऑब्वियसली, बिकॉज अवन में से अभी निकाला है, तो थोड़ा सा साइड से टूट गया है, बट नो प्रॉब्लम। अब लेमन जूस और आइसिंग शुगर के साथ ग्लेज होगा। जी, 1 कप आइसिंग शुगर है, 2 टेबल स्पून। ठीक है, आप ग्लेज मिक्स करिए, तब तक मैं कल के शो की बात करती हूँ। कल तो गेस्ट हैं हमारे शेफ सर्वर, वो बनाएंगे बीफ विथ बेजल एंड मशरूम्स और फिश विथ सालसा।
और लज्जत में 5 बजे लाइव मटन रारा बन रहा है, चने की दाल करेले बन रहा है, मिंटी जल जीरा सोडा बन रहा है, और विनर्स है एनएक्स की मैनाज ईरानी कराची से, वाउच 365 की कूपन बुक्स अमीना मुल्तान, शहजादा अली रावलपिंडी। तो आप सबको मुबारक हो, आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा। लुक एट द लवली किश विथ अ ट्विस्ट, चीज़ भी अच्छी तरह ऊपर से गोल्डन हुआ है, अंदर से ये पक भी चुका है, और ये यहाँ ग्लेज बस बन रहा है। डालेंगे थोड़े सा ऑरेंज जूस और लेमन जूस और हाँ डालूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, सो ये है, और कल का शो भी मिस नहीं करिएगा। कल हमारे एक शेफ़ होंगे जेंटलमैन हु इज़ गोइंग टू कम एंड डू सम वेरी नाइस रेसिपीज़। कुरतनैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला हमारे साथ, अपनी रेसिपीज शेयर की, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कुछ कहना चाहती हैं तो नहीं, अच्छा लगा बहुत आके, और थैंक यू सो मच। बस इट वाज माय फर्स्ट लाइव शो, तो मुझे लग रहा था मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारे शोज के बाद भी नर्वस होते हैं। चलिए आप ये कर लीजिए, इसके लम्स जो है वो खत्म करने छान के फिर जी, करते हैं। जी जी छना भी थी, करूँ मैं वो बिस से कर दूँ? बस हो गया, इट्स ओके। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगी? इसके ऊपर बस इसके ऊपर डाल देंगे और फ्लावर्स के साथ और लेमन के स्लाइसेस के साथ डेकोरेट भी हो जाएगा जी। दैट्स नाइस। 9:30 बजे कल सुबह में हमारा शो रिपीट होगा, रात को 12 बजे आप भी देख लीजिएगा, रात को बैठ के या सुबह में रिपीट में अपने आप को। ठीक, ओके, दिस लुक्स लवली, आई होप इट टेस्ट ऑल्सो एज गुड एज इट लुक्स लवली। चलिए ये आप इसको डेकोरेट कर दीजिए, अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, एंड वी गॉट अ लिटिल गिफ्ट ऑल्सो फॉर यू, तो आप जब भी इस्तेमाल करेंगी तो आप याद करेंगी फिर हमारे। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक, इट्स सो हॉट, इसको यहाँ रख देते हैं। रखूँ मैं? एनीथिंग यू वांट टू से कुरतुलैन, कहाँ चली गई? मैं यहाँ नहीं, एनीथिंग यू वांट टू से, दैट्स योर कैमरा। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और बस जो बच्चियाँ घर से कुछ करना चाहती हैं उनके लिए कुछ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। हाँ जरूर, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी जो भी स्किल्स हैं आपके पास उसको प्लीज़ उसको यूज़ करें, एंड आजकल तो वैसे भी लर्निंग के लिए इंटरनेट है, सब है, तो आप लोग बहुत सारी लर्निंग उससे भी कर सकते हैं, एंड अपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज करें, बिल्कुल वेस्ट नहीं करें जी। चलिए जी, इट्स टाइम टू एंड अप आवर शो, दिस इज़ अ गिफ्ट, आप घर ले जाएंगी, हमें याद करिएगा। किश विद अ ट्विस्ट एंड द लेमन ग्लेज केक इज़ रेडी, एंड अ बिग थैंक यू टू कुरतुलैन अगेन, और आप इनके पेज को भी विजिट करिएगा, इफ़ यू वॉन्ट दीज लवली ब्रेड्स तो आप भी लीजिएगा वहाँ। बेकिंग हैबिट बाय क्यू ए, बेकिंग हैबिट बाय QA। जी चलिए, अब दीजिए मुझे और टीम को इजाजत, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मजा। खुदा हाफिज। थैंक यू। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।